चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत देते हुए कहा है कि सेना के जवानों की फोटो का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए न किया जाए। आयोग ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह संज्ञान में लाया गया था कि कुछ राजनीतिक दल सुरक्षा बल के जवानों की फोटो का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने चुनाव आयोग को 2013 में एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों और नेताओं की तरफ से सेना के जवानों की फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर आयोग दलों को दिशा निर्देश दें। वहीं इसी को लेकर हमारे एडिटर इन चीफ वासिंदर मिश्र ने फोन पर बताया कि 4 दिसंबर 2013 की गाइडलाइन को दोबारा जारी किया गया है। कुछ लोगों की शिकायत के बाद ये गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं पुलवामा हमले के बाद कुछ राजनेता और राजनीतिक पार्टियां सेना का इस्तेमाल अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रही थी। कुछ राजनीतिक दलों ने यह भी ऐलान किया था कि वो चुनाव में सेना और सेना के पराक्रम को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएंगे। तो जवानों की फोटो का इस्तेमाल न करें राजनीतिक दल, प्रचार के लिए कुछ दल जवानों की फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस गाइडलाइन को जारी किया है। एडिटर इन चीफ वासिन मिश्र जी हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर सीधे जुड़ रहे। वासिन जी, ये गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई है, आने वाले वक्त में इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए शंकर, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आज गाइडलाइन जारी हुई है, ये 4 दिसंबर 2013 की गाइडलाइन है जी। उसी को दोबारा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। कुछ लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी कि राजनीतिक दल अपने वोट को बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए सेना का और सेना के जवानों का फोटो लगा के उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस शिकायत को आधार बना के इलेक्शन कमीशन से आज एक उसी गाइडलाइन को दोबारा जारी किया गया है और सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को और पदाधिकारियों को भेजा गया है जी। और उनको सख्त हिदायत दी गई है कि पूर्व में जो निर्धारित प्रक्रिया है उसी का पालन किया जाए जी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो निर्धारित प्रक्रिया है पहले से, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सेना एक गैर राजनैतिक और राजनैतिक संगठन है जी। और उसके ऊपर देश की सुरक्षा और अखंडता और को बनाए रखने की जिम्मेदारी है जी। तो इसलिए सेना या सेना के जवानों अधिकारियों का फोटो लगा के कोई भी राजनैतिक दल अपना पॉलिटिकल कैंपेन नहीं चला सकता, वोट नहीं मांग सकता, सेना का इस्तेमाल राजनैतिक तौर पर नहीं किया जा सकता जी। इधर कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है पुलवामा हमले के बाद कि देश के कुछ राजनेता और राजनीतिक पार्टियां सेना का इस्तेमाल अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए करने लगी थी और कुछ राजनीतिक दलों ने ये भी ऐलान किया था कि वे इस बार के लोकसभा के चुनाव में सेना की वीरता, सेना के पराक्रम का मुद्दा बनाकर अपने मतदाताओं के बीच में जाएंगे जी। तो इसी के मद्देनजर आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया है और यह उम्मीद की गई है सभी राजनीतिक दलों से और पार्टी के नेताओं से कि सेना को राजनीति में न घसीटा जाए। सेना एक गैर राजनीतिक संस्था है और उसको ए पॉलिटिकल ही रखा जाए जी। बिल्कुल वासन जी, एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया पुलवामा हमले के बाद से लगातार पूरे देश में हम देख पा रहे थे, चाहे रैलियों में हो चाहे मंचों से हो, पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि सबसे बड़े देशभक्त वही हैं। हमने देखा कि कई नेताओं की तो वर्दी तक, सेना की वर्दी तक पहनते हुए वो जनता के बीच में गए और लगातार सरकार की उपलब्धियों को गिनाते रहे कि पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। और अब समझना हम आपसे ये चाहते हैं वासन जी कि आने वाले वक्त में जिस तरीके की गाइडलाइन अब जारी की गई है, क्या ये तमाम चीज़ें रही? इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीज़ों को वॉच कर रहा था, देख रहा था कि आने वाले वक्त में गतिविधि और ज़्यादा ना बढ़े, इस तरीके की परिस्थिति और ज़्यादा ना बढ़े, इसीलिए पहले से ही इस गाइडलाइन को जारी कर दिया गया। शंकर, ये पहली बार नहीं हुआ है जब देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए या देश में बढ़ती आतंकवादी नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जी सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई हो। लगभग 2 दर्जन बार भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, लेकिन जो भी सरकार
पार्टी सत्ता में होती थी वह सेना को राजनीति से दूर रखती थी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मामलों को प्रचार से दूर रखा जाता था। इधर चार वर्षों में देखने को मिल रहा है, साढ़े चार वर्षों में कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी राजनीति से जोड़ा गया और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रचार अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया जी। अब जब चुनाव की घोषणा होने वाली है तो इसके मद्देनजर जब एक पार्टी विशेष की तरफ से लगातार अपने पब्लिसिटी कैंपेन में अपने नेताओं के ड्रेसेज में सेना के जवानों का फोटो छाप के सेना के जवानों का फोटो सूरत में छपने वाली और बनने वाली साड़ियों पर छाप के पूरे देश में बंटवाने की जब तैयारी कर ली गई थी तो उसके मद्देनजर कुछ लोगों ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई और इलेक्शन कमीशन ने उस शिकायत को सही मानते हुए एक बार फिर 4 दिसंबर 2013 के उस सर्कुलर को जारी किया है और हिदायत दी है सभी राजनीतिक दलों को कि वे इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट से बचे, सेना को राजनीति में न घसीटा जाए, सेना और सेना के अधिकारियों और जवानों के तस्वीरें पब्लिसिटी मटेरियल पर न इस्तेमाल किया जाए जी। वासन जी, जो पार्टियां और जो पार्टियों के नेता हैं, सबसे बड़ा देशभक्त जो बनने की कोशिश की गई, जो तमाम बयान है उनके आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जनता के बीच में जाकर चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, ये उन सभी लोगों के लिए झटका है जो लोग की सेना के पराक्रम, सेना की वीरता का अपना वोट बैंक बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे जी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का सख्त निर्देश जारी किया है और अब ये सबको मानना पड़ेगा, जो लोग भी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, जो लोग भी भारतीय संविधान को मानते हैं, इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता को मानते हैं जी, उनको इस गाइडलाइन के तहत ही अपने पब्लिसिटी मटेरियल को छपवाना पड़ेगा, अपने इलेक्शन कैंपेन को की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल वासन मिश्र जी आपसे मैं समझना चाहता हूँ। लगातार आपने भी जिक्र किया, तकरीबन 4.5-5 सालों में हमने देखा कि जो तमाम सर्जिकल स्ट्राइक की गई उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से पब्लिश किया गया, जनता के बीच में बताया गया और अपनी उपलब्धि को गिनाने की कोशिश की गई। आपने तो तमाम वो दौर देखे होंगे, तमाम वो सरकारें देखी होंगी, आपका अनुभव क्या कहता है, इससे पहले ऐसी परिस्थितियां होती थी क्या? देखिए, इसके पहले जो भी पार्टी सरकार में होती थी जी, वह सेना और डिफेंस के मामलों को राजनीति से दूर रखती थी जी। अभी कुछ दिनों पहले जब इस तरह की चर्चा चलने लगी और सर्जिकल स्ट्राइक को बढ़ा चढ़ा के बताया जाने लगा जी, तो हमारे सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने एक डिस्कशन के दौरान इस बात का खुलासा किया था जी, कि सर्जिकल स्ट्राइक देश में इसके पहले भी कई बार हुआ है लेकिन सरकार और सेना की तरफ से इसको प्रचार नहीं किया गया, इसकी गोपनीयता बनाए रखी गई जी। लेकिन आज हम खुद देख रहे थे कि प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री और सत्तारूढ़ दल लगातार सेना की इस कार्रवाई को अपनी पार्टी की उपलब्धि के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है जी। आज भी देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे और उन्होंने एक जनसभा में इस बात का ऐलान किया कि 4.5 साल के दौरान 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है जी, जिसमें 2 बार का तो उन्होंने कहा कि हम जिक्र करेंगे, तीसरे का खुलासा नहीं करेंगे जी। तो इस तरह के जो बयानबाजी देखने को मिल रही कुछ दिनों से, उसके चलते इलेक्शन कमीशन को शिकायतें गई और इलेक्शन कमीशन ने इसी तरीके जी आज अभी कुछ देर पहले इस तरह का सर्कुलर जारी किया है सभी पार्टी अध्यक्षों को और पदाधिकारियों को। उनसे अपेक्षा की गई है कि वे इस सेना को अपने पब्लिसिटी मटेरियल में जगह ना दें, सेना के जवानों का फोटो ना छापे, सेना के अधिकारियों का फोटो ना छापे और सेना के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको चुनाव का मुद्दा ना बनाया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वासन मिश्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और आने वाले वक्त में ये एक गाइडलाइन जारी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और ये कहा गया है कि कहीं भी किसी भी तरीके से सेना का फोटो लगाकर प्रचार नहीं कर सकता, सैनिक का फोटो लगाकर कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। हालांकि उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है जो लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे थे कि मंच से बड़े देशभक्त के तौर पर जनता के सामने जो पार्टियां हैं उनके नेता हैं अपने आप को पेश कर रही थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इस बात को साफ कर दिया है और ये कह दिया है
इस गाइडलाइन में साफ तौर पर कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से अब चुनाव का समय है, सैनिक का फोटो लगाकर कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा।